तो जिस तरीके से उनका तरीका है पढ़ाने का, पेडागॉजी का, वो बहुत अच्छा है। मतलब पढ़ा रहे हैं उसका भी मुझे कोई यूजफुल नहीं लगा, मुझे 3 दिन में इतना यूजफुल मतलब लगा। अच्छा, तो हमारी कनिका मैम की मतलब जो मेहनत थी वो आपको लग रहा है सफल हुई आपके साथ? जी जी, मतलब उन्होंने बहुत मेहनत की, मतलब इतना कोई मेहनत नहीं करता है। सही, यानी कि एसजी कैंपस की जो पूरी टीम वर्क कर रही है आपको उसका एक एसेंशियल आपको फर्क लगा। उन्होंने क्या कहते हैं असेसमेंट किया था, इवैल्यूएशन किया था। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम कैसा रहा वैसे आज पेडागोजी का क्वेश्चन आपको? मतलब 190 अटेम्प्ट करके रहे। अरे वाह मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बात है मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग जैसे हमारे साथ जुड़ते हैं, हम भी आपके लिए मेहनत करने के लिए आए हैं और आप हमारा मतलब एक तरह से ना उत्साहवर्जित भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपने बहुत अच्छा किया है, मतलब मैं और कुछ देखना ही भूल गई, मतलब मैंने आपका ही चैनल देखा। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम और मैथ्स वगैरह से कैसे क्वेश्चन आए आज? बहुत इजी लेवल था। अच्छा, तो बरखा मैम ने और हमारे तरुण सर ने भी काफ़ी मेहनत की है, उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस काफ़ी देखने के लिए मिले होंगे। हाँ, मतलब इजी लेवल था, मतलब जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की, उन्होंने बताया उसके अकॉर्डिंग ही एग्जाम आया। बहुत बढ़िया। तो पेडागोजी से वैसे मैम कुछ बेसिक क्वेश्चन मिल सकते हैं? मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सोच रही थी। बहुत बेसिक फुल फॉर्म, एसएमसी की फुल फॉर्म 1974 IEDC Act भी आया था, उसका इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चंस थे। जी, हाँ इस तरीके से बहुत, मतलब जिसमें बेसिक पैडागॉजी भी पढ़ी थी वो भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और GS से मैम कैसे क्वेश्चन आए? GS से भी थे, एक दो करंट के क्वेश्चन थे जी। और ईजी था। थैंक यू सो मच मैम, हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने हमारे साथ इतना सपोर्ट किया। और मैं देख पा रहा हूँ आपने जैसे 190 अटेम्प्ट किए हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मैम। हेलो सर। तो क्या नाम है सर आपका? हिमांशु। तो कैसा रहा सर आपका एग्ज़ाम आज का? हाँ ठीक रहा, पर हाँ थोड़ा सिंपल आया था, सिंपल टू मॉडरेट का। अच्छा अच्छा, तो जैसे सर 100 नंबर का एक वेटेज होता है पैडागोजी का, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए सर आज? इजी टू मॉडरेट थे, कोई बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं थे और मॉडरेट थे, थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट से ज़्यादा थे, साइको थोड़ी कम थे। अच्छा अच्छा, डेवलपमेंट से आज ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, जैसा भी और भी एग्ज़ाम हुए हैं हमारे, उससे कुछ रिपीटेड क्वेश्चन मिले आज हमें एग्ज़ाम में देखने के लिए? रिपीटेड नहीं था इसका, थोड़ा NIOS से ज़्यादा आता है। अच्छा, आज NIOS से ज़्यादा सर, शिक्षा अभियान से ज़्यादा पूछा गया है ना। अच्छा, तो सर मैथ्स का सेक्शन कैसा रहा आज, मैथ्स के क्वेश्चन कैसे? मैथ वेरी सिंपल थे, जो मैथ बैकग्राउंड का था उसके लिए तो कुछ भी नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, और हिंदी में कोई संधि वगैरह से कुछ नहीं? हिंदी में संधि वगैरह कुछ भी नहीं आई थी, बहुत थ्योरेटिकल टाइप का था, ग्रामर बहुत कम थी। उससे आया विसर्ग वगैरह से आए, काल से आया, काल से ज़्यादा क्वेश्चन आया, तीन क्वेश्चन आए काल के थे, और कोई थी भी संधि वगैरह कुछ भी नहीं था। ग्रामर पोर्शन कम था, थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा। अच्छा, और इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन रहे सर? इंग्लिश एक्चुअली में थोड़ा वीक गया है, लेकिन हाँ ठीक थे, क्वेश्चन थे पैरा थे और मोस्टली ग्रामर थी, इनकरेक्टिंग एरर डिटेक्शन ज़्यादा थे, 5 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के थे। अच्छा, एरर डिटेक्शन में 5 क्वेश्चन थे। और PQRS बेस में क्वेश्चन थे आज? हाँ, PQRS का ये पैरा था एक जी, उसमें लगभग 2 पैरे आए थे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और उसके अलावा कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले? और क्वेश्चन सर ज़्यादा कुछ नहीं था, इजी टू मॉडरेट थे, और GS थी, GS बहुत सिंपल थी, 4-5 करंट के क्वेश्चन थे और सब थ्योरेटिकल बेस्ड था पूरा। ओके, ओवरऑल यानी कि आपका एग्ज़ाम आज अच्छा गया? हाँ अच्छा तो गया है, पर ये है सीट कम है। हाँ, हमेशा रहता है एक हेजिटेशन, थोड़ी सी हेजिटेशन रहती है, मेरिट ज़्यादा गया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपका नाम? गाविका। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम आज? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, तो कैसे क्वेश्चन पूछे गए मैम आज आपसे? क्वेश्चन सारे NIOS से ही मैच थे और ऐसा कुछ नहीं था, अभी सारे स्टेटमेंट्स थे उनके डायरेक्ट आंसर्स थे, रीजनिंग बहुत ईजी थी। अच्छा, जैसे 26 मार्च को आज एग्ज़ाम हुआ है, तो प्रीवियसली कोई क्वेश्चन ऐसे मिले जो रिपीटेड मिले आपको आज? नहीं, रिपीटेड तो कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा, पैटर्न मोस्ट ऑफ सेम था जी, जी जैसे जो बताया गया था, कुछ योगा कुछ ड्रेस के क्वेश्चन थे जी जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी जी। स्लेट थोड़ी से थे, बॉल भी थोड़ी से थे और जी जी, और रीजनिंग वगैरह से या मैथ्स? रीजनिंग बहुत इजी थी और मैथ शायद, रीजनिंग में क्वेश्चन हमें ऐसा लगा कि स्टेटमेंट गलत थी उसके क्वेश्चन के स्टार्टिंग का जी, और मैथ भी थोड़ा सा स्टेटमेंट थी मैथ में। अच्छा, हिंदी में कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिले मैम? हिंदी में डायरेक्ट थे, जैसे वर्ड दे दिया हमें, उसके बारे में बताना था कि वो बताना था कैसा स्नो नियम आया है या क्या आया उसका, और पैराग्राफ बिल्कुल ईजी थे दोनों के, इंग्लिश और हिंदी दोनों के ईजी थे। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? सर कुमार। अच्छा, तो सर कैसा रहा आपका एग्ज़ाम आज का? एग्ज़ाम काफ़ी ठीक था, लेकिन
पैटर्न क्या कहते हैं बदल गया है। अभी तक पैटर्न जो आता था वो आता स्टेटमेंट में, दो दो तीन तीन स्टेटमेंट देख के उनमें से चुनना था जी। कल से जो पैटर्न बदल गया अब आता है चार में से कोई एक ही लगाना है जी। डायरेक्ट मतलब स्टेटमेंट वाले हटा दिए उन्होंने। अच्छा, कल जो टॉपिक आया था एनपी एनसीएफ से ज़्यादा आए थे जी। जबकि आज के जो आए हैं आज के उन्होंने एसएसएसएल शिक्षा अभियान आईईडीसी फैक्चुअल ज़्यादा उठाए हैं और कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे उठाए हैं जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट गए। लर्निंग पर्सनैलिटी से कुछ भी ज़्यादा नहीं था जी। और इसके अलावा मैथ और रीजनिंग काफ़ी हल्की आ रही है। रीजनिंग में दो से तीन क्वेश्चन है जो अटकने वाले हैं। सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह से नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट आज आज के में नहीं था। अच्छा, एक था वो सिंपल सा, सिटिंग अरेंजमेंट तो था ही नहीं आज के में, रिलेशन से था। हाँ, तो बहुत ही सिंपल आ रहा है। मैथ में परसेंटेज या मैथ में रेशो से थे, रेशो प्रोपोर्शन से थे दो क्वेश्चन जी। इसके अलावा एस आई सी आई नहीं था, प्रॉफिट लॉस से एक था जी। हाँ, इसके अलावा तीन क्वेश्चन तकरीबन अटकाने, तीन से चार क्वेश्चन मैथ में थे जो अटकाने वाले थे, टाइम टेकिंग थे बस। हिंदी बहुत आसान थी। हिंदी में कुछ क्वेश्चन याद है आपको? एक आधे हिंदी में कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट याद तो नहीं है मेरे को। पर्यायवाची वगैरह कोई? हाँ, पर्यायवाची, उपसर्ग प्रत्यय, संधि, नहीं संधि नहीं था, काल का आया था। अच्छा, आज काल, काल का आया था। हाँ, काल आया था आज, खाली पड़ा था, काल आया था। इसके अलावा इंग्लिश में पैसेज बहुत सिंपल आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने ज्यादातर चीजों में स्टेजेस पूछी है, अधिक चीज थ्योरी के अंदर ना जो पढ़ी भी नहीं बच्चों ने, वो अलग टाइप से इसके अंदर कितने स्टेजेस हैं, ये वाली अवस्था कौन सी होती है, इसके अलावा गर्भ की अवस्था कौन सी होती है, क्वेश्चन तो साइकोलॉजी में, और बाकी सर शिक्षा अभियान ये चीज़ें ज़्यादा थी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यानी कि इसका पेपर, इसका मतलब आपका पेपर आज अच्छा ही गया है ना? हाँ, पेपर तो अच्छा गया, बाकी डीएसएस भी रिजल्ट ज़्यादा सही बताता है चीज़ें। हाँ, ये तो ज़्यादा। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।